गाइस ये है मेरी दीदी की भेजी हुई राखी। ये इसमें एक ऐसा कार्ड निकला था, ये है धागा, कुछ चावल है और टीका है, और ये है रक्षाबंधन की हमारा बंधन यानी कि राखी। और ये किसने ऐसे रूम के बाहर में या कहीं पर भी ऐसे टांगने वाला इसने दिया है, मतलब दीदी ने भेजा है। ये अलग से इसने भेजा था, मुझे नहीं पता इसने किस वेबसाइट से भेजा था, मुझे तो सिर्फ खोलने से मतलब होता है। और ये है मेरी मुंह बोली बहन आकृति का राखी, यानी कि आकृति की राखी। ये इसमें एक राखी है, पाकर का पेन है, और इसके अंदर में ना टीका है और भी बहुत कुछ है। आपको मैं खोल के इसे दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर में है ऐसा टीका, मिश्री है मुंह मीठा करने के लिए, चंदन का टीका, और साथ में है चावल। और गणेश जी हर शुभ काम के लिए, गणपति बप्पा मोरिया। पिछले दो साल से ना, पिछले दो बार से हम लोग राखी पे, मतलब दीदी के पास में नहीं मैं होता हूँ। ऐसा कभी कभी हुआ नहीं है ऐसा वैसे कि राखी पे मैं नहीं। पिछली बार मुझे कुछ काम था इसलिए नहीं था। कुछ काम था मम्मा? कुछ काम था, पर इस बार तो चाइना ने जो हक दिया उसके कारण तो दीदी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है बड़ी जल्दी से। ऐसी बात नहीं है, मतलब हम लड़के थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं ना, लेकिन दीदी, अरे तू रो मत, कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा चाइना का हवा हुआ थोड़ा साफ हो जाए ना, हम लोग आ जाएंगे। चाइना का हवा वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा ना, फिर हम लोग ना आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बस यही है, ज्यादा मैं बात सुनी तो नहीं, मतलब बातें मुझे ज्यादा करनी आती नहीं है। वो बेचारी रो रही थी, हाँ अकेले है ना, इसलिए आरब के साथ में उसका होता था कि हमेशा हमारे घर पे आ जाती थी, थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह करते थे, और मेरी वो सब्जियां भी चुरा के बहुत खाती थी, वो जो उगाया था मैंने, नहीं जानते थे, चोरी कर करके अपने घर पे ले जाती थी कट कट के। वही है, फिर यही है इस वीडियो में। आज मुझे भी कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है, ऐसी बस मैंने बना ली। और गाइस इंस्टाग्राम पे भी आज मैंने सुबह में पोस्ट आज मैंने डाली थी दीदी के साथ में, वहां पे भी कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी थी कि इतना मुझे आता नहीं है तो सब फीलिंग वगैरह बताने। मम्मी बहुत आज मिस कर रही थी, मैं इधर सोया हुआ था आराम से मस्त अपना, मम्मी बोली रोंदी पे ये हो, कौन रोंदी पे, वो रोंदी पे ये छोटी, तेरा तो क्या हुआ, मतलब क्यों रो रही, तेनू मिस कर
रही है। बोले तो तुम क्यों रो रही हो, तुम तो मेरे पास ही हो। तू बोल रही है कि नहीं मैं उसे मिस कर रही हूँ मेरा लव। तो बोली उठो उसे वो बात कर लो। तो बोला हाँ बात कर लेता हूँ। और मैंने बात जब की 2 मिनट से ज्यादा तो वो बात नहीं करती। हाँ मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। आरव भी कहने लगा। हाँ आरव, उसे आरव मतलब मम्मी पापा थोड़ी ना उसके, वो तो भाई बहन वाला काम है। तू रोंदी क्यों पई है, चुप कर दे तू। मतलब क्या है यार, मम्मी को मतलब मम्मी के कहते बहन के कैसे ट्रीट करता है। नानी ट्रेन तो चली रही है बट आप क्यों नहीं आ रहे। अरे इस बार प्लेन पे अभी जाने का मतलब आपको पता है अभी क्या है। प्लेन का अगर आपको जाना है तो आपको अपनी फ्लाइट की टिकट तो चलो वो तो नॉर्मल डेज में भी आप करोगे ही करोगे। उसके बाद में बोर्डिंग पास भी खुद ही से बना के जाना है। उसके बाद में बैग के ऊपर में वो जो लगता है ना वो उसे क्या बोलते हैं बैग वाली रिसिप्ट जो भी होती है वो भी आपको खुद ही से आपको करके आपको जाना है। ठीक है। और आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी खुद ही से बना के आपको अपना जाना है। मतलब इतना कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, इतने सारे पेपर हो जा रहे हैं। तो इस टाइम पे अभी पॉसिबल अभी नहीं है फ्लाइट में जाना, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, रुक जाते हैं कुछ दिन अभी रुकते हैं, थोड़ा ठंडा होने दो। ट्रेन वगैरह नॉर्मली जब चलेगी ना तब खत्म हो जाएगा तो फिर तो भागे। हाँ थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, अभी क्या फायदा वहाँ पे जाके भी फैला देंगे चार लोग गालियां। तो हमें भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना 14 दिन के लिए। हाँ हो सकता है हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दें, होम क्वारंटाइन ना करें फिर और एक लफड़ा। इससे अच्छा अभी अपने घर पे है चुपचाप है, ठीक है सेफ है। तो अपने घर आ जी रहे कोई गम नहीं। हाँ जल्दी भी लग यू बेटा, अपना दिल पक्का कितना है। मम्मी को भी रोना आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता। मैंने अब बड़ी कोशिश की कि मैं ना रो के ना वीडियो बनाऊं, पता नहीं क्यों हंसी आ जाती। शादी के टाइम मैंने बहुत कोशिश की थी पर रो ही नहीं, सारे मजाक कर रहे थे। भर भर के भाटियां रोई थी। हाँ स्वाति बड़ा रोई थी, हमें लग नहीं रहा था कि ये रोएगी, पता नहीं कैसे तो रो गई। अरे मैं सब जानता हूँ मम्मी ने उसे चूतियाँ काटी अच्छा गाइस ठीक है, फिर आप भी अपने घर पे सेफ रहो, अच्छे से रहो। पता ही अभी क्या अभी चल रहा है, ठीक है ना। और ये जो मिठाई वगैरह है ना ये सारी हमने पैक्ड बॉक्सेस वाली है मैंने लाई है घर पे, ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। अब जो त्योहार है बहन के साथ वाला, अब उस त्योहार पे मैं उसके हमेशा साथ में रहता हूँ और उस समय मैं मिठाई बनाता हूँ मतलब जो भी कुछ अपने घर पे, और अभी साथ में ही नहीं हूँ तो क्या मैं मिठाई बनाऊँ। मेरे लिए ऐसा कुछ खास कुछ था नहीं, बस ठीक है मम्मी ने बांध दिया ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन चलो मेरी दीदी ने मुझे राखी भेजी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अरे एक और चीज़ उसने भेजी थी वो बोला कब तो ग्रो वाला, गैस वो अब पता नहीं किधर रखा हुआ। छोड़ो मम्मी बोल रही ना वीडियो बंद करने के लिए मैं लेके आती हूँ, छोड़ो अब ब्रो वाला गया है। उसमें चाय बना के, चाय नहीं वो कॉफी वाला मग है, ठीक है ना ब्रो ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा है वो भी। तो उसमें अभी तक मैंने पर पी नहीं है, मैंने सोचा था रक्षाबंधन के बाद में उसका स्प्रे यूज करेंगे। अब चलो मम्मी आज मुझे कॉफी दे ना, उसमें मैं अपनी छोटी सी वीडियो बना कर स्वाति को डालूंगा कुछ हो जाएगी। अरे इस बार मैंने उसे कुछ भी दिया ही नहीं यार, भूल ही गया। कोई बात नहीं मिल के दूंगा तेरे को, चल ठीक है फिर बाय बाय। मैं स्वाति को क्यों बाय बोल रहा हूँ, हाँ हम एक तरीके स्वाति से बात कर रहे हैं। गाइस आप सबको बाय, आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, खुश रहो अपने घर पे अंदर में रहो एकदम ही सेफ रहो, कोशिश करो बाहर तो जाओ ही मत, ठीक है ना। बड़ी कोई मजबूरी हो जाए तभी आप बस बाहर में जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ हम लोग अभी कर रहे हैं, इसीलिए बस हम लोग सेफ है। अभी आपको आवाज आई होगी और लाइट चली गई है। ओके बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।